अरे साक्षी बिटिया दिखाई नहीं दे रही। बोल रही थी केडी जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारी फोटो खींचते हैं, पर खुद ही गायब है। उसका सर में ना बहुत दर्द। हम यहाँ हैं। केडी, आपसे वादा किया था तो निभाना तो पड़ेगा ही। हम यहाँ हैं और वो भी अपने कैमरे के साथ, लेकिन फोटो खींचने से पहले हमें एक जरूरी काम है, पहले वो कर लेते हैं। हे माता रानी, पता नहीं कहाँ चल रहा है इसके दिमाग में, कहीं शुभ काम में कोनो गड़बड़ ना करते। तुम्हारी माँ ने हमसे हमारे माँ बाबा छीन लिए, तुमने हमसे हमारी दादी छीन ली, अब तुम्हारी बारी है। हम तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारा प्यार हमेशा के लिए दूर कर देंगे। ओके, सो कम ऑन, हम तीनों इकट्ठे हो गए, आप यहाँ आइए। तो चाची एक बढ़िया सा, एक प्यारा सा फोटो खींच लीजिए, कम ऑन। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी अभी हम खींचते हैं पिक्चर। अरे हम पिक्चर तो खींच लें, लेकिन साक्षी तुम दोनों के बीच में आ रही है। अरे चाची कोई बात नहीं, उन्हें बीच में ही रहने दो। देखिए डॉक्टर साक्षी नहीं होती तो हमें अग्नि जी कभी नहीं मिलती, अब अग्नि जी मिल गई हैं, तो इट्स ओके, कम ऑन। ना बाबा ना। हम दो प्यार करने वालों के बीच में कैसे आ सकते हैं? हम दाल भात में मुसल चंद थोड़ी ना बनेंगे भला। ओके थैंक यू, वेरी स्वीट। हमारा हम देखते हैं। रक्षा का फोन है, हम बात कर लेते, तुम फोटो निकालो। है उनको कहना कि हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। मैं भी। अग्नि और हमारी पिक्चर आपके बिना। बस एक हाँ, अब मैं आ जाऊं। हमारी बहन है आपकी, अग्नि हमारी बहन है, तो हम इसके साथ पिक्चर खिंचवाएंगे। नहीं वन वन इतनी आसानी से अग्नि को आपका नहीं होने देंगे। अरे वाह, चलिए बस अब अग्नि जी हमारी हुई, कम ऑन। कैसे? ए बेटा, उसमें आग लग गई थी।
तुम ठीक हो ना? छोड़ दो उसको, छोड़ दो। साहब ये क्यों? अग्नि जी, ये है आपके टेंशन का इलाज। सही कह रहे हैं हम? मैं जानता हूं अग्नि जी, और मैं समझ सकता हूं इस चुन्नी से आज के सारे रस्मों के साथ साथ आपके जज्बात, आपके सारे इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। और मैं ये बात नहीं समझूंगा तो और कौन समझेगा भला, है ना? अग्नि जी, जो भी हुआ वो हो गया, बीत गया, वापस तो पीछे नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कर सकते हैं। I can repair it. आप ये चुन्नी मुझे दीजिए और बस देखते जाइए मेरा मैजिक। ठाकुर साहब, आपको ये मशीन चलानी आती है? मतलब हमने अपनी मम्मा को देखा था ये चलाते हुए। अग्नि जी, आपसे बहुत प्यार करते हैं और इसी प्यार ने हमें सब कुछ सिखा दिया। बस आप देखते जाइए, हाँ, किशन का मैजिक। बैठिए आराम से, जस्ट कीप वॉचिंग। ऑल राइट, इट्स डन। ये देखिए, है ना एकदम परफेक्ट, बिल्कुल पैर की तरह। अब लाइए। हाँ, ऐसे कैसे लाइए? क्या बन गया है ये? एकदम रिपेयर हो गया, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलेगा आपको। पर ये चुन्नी ऐसे कैसे एक सेकेंड। क्या है कि हम तो ये सोच रहे थे कि इस चुन्नी की सिलाई के बदले हम आपको ना एक गुड नाइट किस देंगे, पर नहीं। ठीक है, इट्स ओके, आप पकड़ पकड़ाई यही सब खेलिए। हाँ, आप खेलते रहिए, हम जाते हैं क्योंकि बहुत नींद है। सिर्फ गुड नाइट नहीं, मजदूरी का, यू नो, आपकी मजदूरी का इनाम, गुड नाइट किस। ओ, किस? हाँ, लेकिन उसके लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। थ्री काउंट्स पे, आप 1, 2, 3 क्लोज। चलिए चलिए बाहर चलिए। दिस इज चीटिंग। एक सेकंड। ये चीटिंग है, इट्स एब्सोल्युटली चीटिंग। ओके, गुड नाइट किसी, शादी के बाद। बैड मैनर। छोड़ने के भी लायक नहीं हो, क्योंकि ये तुम्हारी उमा का हार है जिसने हमेशा जो है उस सच्चाई का साथ दिया है। वो हार हमारी माँ की निशानी है, उस पर हमारा हक है, और अपना हक पाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे दिल तोड़ना पड़े या भरोसा। हमें अपना हार हर हाल में चाहिए।
अग्नि बिटिया कहाँ रहेगी तुम? दो क्या कर रही हो? दादी अब हमेशा हमको ही क्यों गलत समझती हैं? ये सवाल तुम अपने आप से पूछो। और अब किस चीज पर नजर है तुम्हारा? पुहार पर? पुहार हमारी माँ का है, हमारी माँ की आखिरी निशानी पर हमारा हक तो बनता है ना? नहीं, पुहार तुम्हारी माँ का जरूर है, लेकिन उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है। कहे कि तुम इस लायक नहीं हो कि उस पर तुम्हारा हक जता सको। तुम्हारी माँ की किसी भी चीज पर तुम्हारा हक नहीं बनता है, और ना ही हमारे प्यार पर। ऐसा मत बोलो। दादी प्लीज, हम मानते हमारी गलती है, हमको माफ कर दीजिए प्लीज। हम आपके प्यार के बिना नहीं जी पाएंगे। तुम्हारे झूठ के साथ हम रह रहे ना, तुम हमारे प्यार के बिना जीने का आदत डाल लो कि तुम हमारे प्यार का गला तो घोट ही चुकी हो। साक्षी, तुम रो क्यों रही हो? सविता जी, जाओ जाके पोछा लेकर आओ और ये दूध पोछ दो। जी अच्छा। दादी कभी, दादी ने आज तक तुमसे ऐसे बात देखी? आज तक कभी हमसे ऐसे नाराज नहीं हुई है, और तुम्हारे बड़ी से बड़ी गलती को उन्होंने माफ किया है। लेकिन आज, आज उस अग्नि की वजह से, उस अग्नि की वजह से। सॉरी आंटी जी, हम वो यहाँ हमारे पास, बिल्कुल यहाँ एकदम पास आओ। और पास आओ, मेरा पहले ही मोदी टपकाना बंद कर दो। बेटा, बड़ों की बात का बुरा नहीं मानते, उनके डांट में भी ना आशीर्वाद छुपा होता है, इसलिए उनकी बातों को दिल से लगाते नहीं है। ठीक है, चलो अब एक प्यारी सी स्माइल दो मुझे। जी आंटी जी। चल अब मुझे जल्दी से पूजा रूम में ले चलो, आरती शुरू होने वाली है ना। जी। हमें ये तो नहीं पता, हीरा छोड़ के कांच के टुकड़ों से दिल लगा बैठा है तू किशन। अरे वो पुलिस वाली है, सख्त हो चला है उसका दिल, तभी तो आज के दिन भी अपनी बहन को रुला दिया उसने। बहुत बड़ी भूल करने जा रहा है तू। अरे देवी नहीं आई? आती होगी। आगे चलो। अच्छा, अब हमें दो जरूरी बात करना है। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इम्पोर्टेंट टॉक। वो पहला ई है कि हमारा खानदान का 14 पुश से परंपरा है, यहाँ हर साल अपनी बहू को खानदानी अंगूठी देती है। और दूसरा बात,
कि वो अंगूठी हमारी बड़ी बहू यानी देवी के पास है और वो ये अंगूठी अग्नि को देगी। याशी, देवी से अंगूठी लेके अग्नि को दे दे जी। और वो ही अंगूठी शाम को किशन अग्नि को पहनाएगा सगाई के टाइम। जी अम्मा जी। साक्षी। जी आंटी जी। बेटा मेरे हाथ से अंगूठी निकालना। जी। बिटिया, हम तो सोचे थे तुम पुलिस वाली हो, तुम्हारे हाथ कड़क और मजबूत होंगे। अरे तुम्हारा हाथ तो रुई जैसा निकला और तुम्हारी उंगली पतली है, ये अंगूठी बड़ी है, ढीला होगा। दादी कोई बात नहीं, हम इस अंगूठी को ना सुनार के पास ले जाएंगे और अपने फिंगर की साइज का करा लेंगे, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्व। अग्नि बेटा, ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं है, हमारी सालों की परंपरा है। इसमें जड़े हीरे जेवरात जितने कीमती है ना, उससे कहीं ज्यादा कीमती हमारे संस्कार, हमारी सभ्यति है। बेटा ये एक मामूली अंगूठी नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कहीं ऐसा ना हो तुम अपनी दौड़ भाग वाली जिंदगी में इस अंगूठी की जिम्मेदारी ना संभाल पाओ। जी, अग्नि बहुत ही जिम्मेदार लड़की है, उसे संभाल के रखेगी, आप चिंता मत कीजिए। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। दादी चुप चुप जियो बेटा। अच्छा अब तुम सबका भारी भरकम बात पूरा हो गया हो तो शाम को तैयार होके आ जाना, क्योंकि सगाई का हंगामा तो कुछ अलग तरीके से होगा, चुटकी बजा के दबंग तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा पूजा हो गई, अब सब नाश्ता करने चले। जी चलो। तुमने हमसे हमारी दादी, हमारी माँ की आखिरी निशानी छीनी, पर अब खोने की बारी तुम्हारी। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो अग्नि, तुम्हारी खुशियों का दी एंड आने वाला है।